अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं नौमी रिलैक्सिंग व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे इन ड्राइव के बारे में कि इन ड्राइव पर हम कैसे कस्टमर को पिक करें और कैसे ड्रॉप करें और कितने पैसे हम इनकम कर सकते हैं इन ड्राइव से। तो आइए हम तो अभी मुझे एक कस्टमर मिल गया है ऑनलाइन जो कि रिफा यूनिवर्सिटी जाना है, तो अभी हम उनको पिक करने के लिए जाएंगे, लेट्स गो। तो गाइस मैं कस्टमर को पिक करने के लिए पहुंच गया हूं, वो अभी रेडी है, आ गया है, तो अभी जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, लेट्स गो। तो जनाब कस्टमर को ड्रॉप कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी डिलीवरी रिसीव किया। आए कॉल करते हैं कि मैडम को क्या चाहिए। तो गाइस जब मैंने मैडम को कॉल किया तो उसने कहा कि मुझे चीज़ से कुछ सामान चाहिए। तो मैंने कहा कि कितने पेमेंट आएगा, तो उसने कहा तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 आएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कुछ पैसे सेंड करें क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने मुझे बैंक अकाउंट में पैसे सेंड किए और मैं गीगा मॉल की तरफ रवाना हो गया। गीगा मॉल पहुंचते ही मैंने मोटरसाइकिल को लॉक किया और गीगा मॉल के अंदर इंटर हो गया जो कि सेकेंड फ्लोर पर था। तो मैं सेकेंड फ्लोर पे चला गया और एटीएम मशीन ढूंढने लगा। तो मेरे साथ आइए देखिए गीगा मॉल की नज़ारा भी देखें और इंजॉय भी करें। तो सेकेंड फ्लोर पे मैं जाने लगा और मुझे मिल गया UBL ATM। वहाँ से मैं पैसे निकलने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने भेजे थे तो मेरे पास इतने अमाउंट था नहीं। तो मैंने उनसे मांगे और मुझे उन्होंने बैंक अकाउंट में सेंड किए, तो मैंने रिसीव किए और चला गया चीज़ पे। तो फाइनली गाइस मैंने ऑर्डर रिसीव किया और लोकेशन पे जाने लगा। तो गाइस जैसे ही मैंने ऑर्डर को डिलीवर किया, लोकेशन पे पहुंचा दिया, तो वापसी पे मुझे रास्ते में जोहर का अजान होने लगा और मैं मस्जिद पे रुक गया जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद था, दिल लगन मस्जिद था। तो मैंने जाके वहाँ पे नमाज पढ़ लिया और अल्लाह से अपने हलाल रिज़्क के लिए दुआ की। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।